जय श्री राधे। आइए आज हम दूसरा कुछ बजाएंगे। हमारा पास जो फ्लूट है एफ स्केल का फ्लूट है, वो थोड़ा फिंगरिंग बजाएंगे, जैसा उंगली का कैसे कैसे उंगली आप घुमा सकते हैं, उंगली के ऊपर सुर का मधुर निकालते हैं। जैसा आप उंगली को डिस्ट्रीब्यूट करोगे वैसे आपका सुर अच्छा अच्छा सा निकाल जाएंगे। तो आज सात मात्रा ताल और हमारा फ्लूट है एफ स्केल फ्लूट। तो आज हम सात मात्रा ताल में क्लास देंगे। आप सात मात्रा ताल में कैसे प्रैक्टिस करेंगे फ्लूट एंड तबला, ठीक है? थोड़ा हम आलाप करेंगे फिर हम तबला में जाएंगे। क्या बजाया? सानी दा परे सानी दा गारे सानी मागा रे सा, सानी दा परे सानी दा गारे सानी मागा रे सा। पामा गारे। तो ये प्रैक्टिस कीजिए, सानी दा परे सानी दा गारे सानी मागा रे सा, पामा गारे सानी दा पा। बांसुरी बजाने से पहले तानपुरा से आपका बांसुरी का जो साउंड आवाज, ये पूरा स्केल होना चाहिए, या कि आप आपका स्केल जो सा है पहला अक्षर सा सरोज तानपुरा के साथ एक्यूरेट आवाज आना चाहिए। सा है हमारे जितना स्वर का मेन महत्वपूर्ण स्वर है सा। सा हम अच्छा से लगाएंगे तो बाकी स्वर जो है अच्छा से मिल पाएंगे। देखिए ठीक है, तो अभी हम तबला स्टार्ट करेंगे। सात मात्रा ताल तबला कैसे बांसुरी के साथ तबला प्रैक्टिस करेंगे सात मात्रा ताल। Thank you.
ये हमारा सात मात्रा ताल में आपको समझाया, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, जाके आपका सात मात्रा ताल फ्लोट एक साथ आप बजा पाएंगे।